This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax, nothing like anything. पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया में मैं हूं आपके साथ रुचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी में निवेश तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन सबको नहीं मिल पाती भरोसेमंद सलाह और ग्राउंड रिपोर्ट। इसलिए हम लेकर आए हैं एक्सपर्ट्स जो बताएंगे कहां निवेश रहेगा फायदेमंद, कैसे रिटर्न के आप करें उम्मीद, साथ ही प्रॉपर्टी की दुनिया की हर वो खबर जो मायने रखती है आपके लिए। हम करेंगे चर्चा और जानेंगे इसका क्या असर पड़ेगा आप पर, हमारे शहरों पर, और उसका क्या लेना देना है हाउसिंग सेक्टर के विकास की चुनौतियों से। आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर भी लॉग ऑन करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो जानते हैं कि आज के शो में किस पर रहेगी हमारी नजर। शहर के विकास के लिए मुंबई महानगर पालिका जल्द जारी करेगी इंफ्रा बॉन्ड्स। निवेशकों को लुभाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दी हरी झंडी। इंफ्रा बॉन्ड्स के जरिए निवेशकों को मिलेगा आकर्षक रिटर्न, तो मुंबई में गति पकड़ेंगी बड़ी परियोजनाएं। आपके सवालों के जवाब में बताएंगे ग्रेटर नोएडा, बेंगलुरु, लखनऊ और पुणे के साथ साथ नवी मुंबई में कहां निवेश रहेगा फायदेमंद और कैसा रिटर्न यहां मिल सकता है। बेंगलुरु में प्रॉपर्टी के चढ़ते दामों के बीच क्यों बढ़ रही है टुमकुर रोड इलाके की मांग, ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए क्या है इस इलाके की यूएसपी। देश की सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी यानी बीएमसी अब विकास को नई गति देने के लिए नया साधन आजमाने जा रही है। ये है म्युनिसिपल बॉन्ड्स, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत बीएमसी जल्द ही इंफ्रा बॉन्ड्स जारी करने वाली है। क्या है ये बॉन्ड्स और कैसे इससे विकास को एक नया आयाम मिल सकता है मुंबई में, देखते हैं हमारे संवाददाता निखिल नारायण शिवदास की ये रिपोर्ट। हाल के बजट में अगले कुछ सालों में देश की ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए रखे गए। हालांकि एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अगर नगर महापालिकाओं को अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी करके फंड जमा करने की इजाजत दे दी जाए तो काफी मदद मिलेगी। बीएमसी को हाल में ऐसा करने के लिए हरी झंडी मिल गई है। हम अहम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए बीएमसी के म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी करने की अनुमति दे रहे हैं। डिफरेंट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। आखिर म्युनिसिपल बॉन्ड होते क्या हैं? ये ऐसे बॉन्ड हैं जो नगर पालिकाएं फंड जमा करने के मकसद से इस वादे पर जारी करती हैं कि निवेशकों को कुछ समय बाद वो रकम लौटा दी जाएगी। आमतौर से बॉन्ड से जुटी राशि का इस्तेमाल ऐसे प्रोजेक्ट्स में किया जाता है जो पूंजी प्रधान होते हैं। दूसरे तरह के कर्ज के मुकाबले बॉन्ड की लागत कम आती है, इसलिए ये कई देशों में बहुत लोकप्रिय है। अमेरिका में इसका 1,00,000 करोड़ का बाजार है। भारत में भी म्युनिसिपल बॉन्ड के तजुर्बे कामयाब रहे। म्युनिसिपल बॉन्ड्स भारत में 1996 में शुरू हुए थे। अहमदाबाद और बेंगलुरु में इसके जरिए फंड जमा किए गए और उसके बाद 2006 तक 10-12 से भी ज्यादा नगर पालिकाओं ने फंड जमा किए। 18,700 करोड़ रुपए जमा किए गए और किसी ने बकाया नहीं रखा। बीएमसी अपनी महत्वाकांक्षी इंफ्रा विकास योजना के खर्च का एक बड़ा हिस्सा म्युनिसिपल बॉन्ड्स के जरिए जुटाने के बारे में सोच रही है। मसलन 36 किलोमीटर लंबी कोस्टल रोड बनने में ही 8,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके फंड काफी हद तक इन बॉन्ड के जरिए जमा किए जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रिस्क विल बी टेकन बाय द बीएमसी थ्रू द बॉन्ड। ज्यादातर जोखिम बीएमसी ले रही है बॉन्ड के पैसे और खुद अपने पैसों के जरिए, पर और फंड जमा करने के कुछ और तरीके होने चाहिए। बीएमसी की सारी बड़ी बड़ी योजनाएं बस बॉन्ड के जरिए पूरी नहीं हो सकती। बॉन्ड के जरिए जमा किए हुए पैसे का एक और फायदा ये होगा कि बीएमसी पर सही वक्त पर काम पूरा करने का दबाव रहेगा। अब तक
बीएमसी के प्रोजेक्ट देरी से पूरे होते थे, लेकिन बॉन्ड जारी करने पर निवेशकों के प्रति जवाबदेही होने से प्रोजेक्ट सही समय पर तैयार करने होंगे। जिस दिन आप म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जारी करते हैं उसी दिन से उसका मीटर चालू हो जाता है, क्योंकि उस पर ब्याज या लाभांश देना होता है। अगर आप पैसा खर्च नहीं करते हैं तो लोग आपकी आलोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये पैसा जनता से ही जुटाया गया है, वो भी एक खास प्रोजेक्ट के लिए, तो जनता अपने पैसों के इस्तेमाल पर नजर भी रखती है। हालांकि बीएमसी ने फंड इकट्ठा करने के लिए इस योजना का सहारा लिया है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि निवेशकों को लुभाने के लिए महानगर पालिका को कई रियायतें देनी होंगी। You just have to make it more attractive and appealing and protect their interest. आपको इसे ज्यादा आकर्षक बनाना पड़ेगा और उनके हितों की रक्षा करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार कोई योजना ला सकती है, आरबीआई फंड जमा कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार और महानगर पालिका की मदद करने के अलावा ऐसी व्यवस्था भी बना सकती है जिससे वो पैसा पारदर्शी और समय पर खर्च किया जा सके। स्पेंड दैट मनी एंड टाइमली स्पेंड दैट मनी। ये बात सभी मानते हैं कि म्यूनिसिपल बॉन्ड्स मुंबई की सूरत बदलने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। शर्त यह है कि बीएमसी वक्त पर और सही प्रोजेक्ट पर पैसे लगाए। मुंबई से निखिल नारायण शिवदास की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो कम ही लोगों को पता होगा कि बीएमसी का बजट इतना बड़ा होता है कि कई छोटे राज्यों का बजट भी पीछे छूट जाए। आज के मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीएमसी के पूर्व कमिश्नर जीआर खैरनार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही पुणे से जुड़ रहे हैं रविकांत जोशी जो कि अर्बन फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या हैं और इससे बीएमसी को क्या फायदा होने की उम्मीद है, क्या आप दर्शकों को थोड़ा सरल शब्दों में बता पाएंगे? ये सही दिशा में कदम है, क्योंकि और ये बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति अच्छी है, उसकी कैपेसिटी भी अच्छी है, उसकी काबिलियत भी अच्छी है। जैसे आपको मालूम है कि ये 1996 से ये शुरू हुआ है म्यूनिसिपल बॉन्ड, लेकिन आज तक मुंबई महानगर पालिका ने इसे क्यों नहीं उपयोग में लिया था, यही एक प्रश्न है। तो ये एक सही दिशा में कदम है, क्योंकि इससे उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट करने हैं इसके लिए पैसे मिलेंगे। क्या इसमें कोई टाइम फ्रेम रहता है और निवेशक इस बॉन्ड में क्यों निवेश करेंगे? निवेश के तो दूसरे साधन भी है, बीएमसी से किस तरह से आकर्षक बनाएगी? निवेशक इसमें निवेश करेंगे क्योंकि जब बॉन्ड बाजार में लाए जाते हैं तो उसको एक क्रेडिट रेटिंग ली जाती है, और महानगर पालिका की जो परिस्थिति है वो उसे देखते हुए और इसको अगर सही तरीके से आकर्षक किया गया तो आज ऐसी परिस्थिति है कि निवेशकों के पास पैसा है, लेकिन उनको चाहिए सही जरिया चाहिए, यानी सही तरीके का इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और मुझे आशा है कि इतने सारे अपने यहाँ तज्ञ हैं, और इससे पहले 15 से ज्यादा लोकल बॉडीज ने बहुत ही यशस्वी तरीके से इसको इसके जरिए से पैसे खड़े किए थे, यानी ये नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये बहुत ही यशस्वी तरीके से हुआ है। पहली बार नहीं हो रहा है, और लेकिन मुंबई जैसी बड़ी महानगर पालिका जो कि देश की बड़ी पालिका तो है ही, लेकिन बड़े स्तर पर अब ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, ये अपने आप में एक अहम बात है। और बीएमसी को लेकर पूछते हैं खैरनार साहब से, आप तो बीएमसी को अच्छे से जानते हैं इन एंड आउट, अक्सर महानगर पालिकाओं में जवाबदेही की कमी, पारदर्शिता की कमी के सवाल उठते हैं। आपको लगता है कि बीएमसी के संदर्भ में ये म्यूनिसिपल बॉन्ड्स कारगर साबित हो पाएंगे पैसा जुटाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में? हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि महानगर पालिका को पहले से ही जो कैपिटल वर्क्स है, जो हॉस्पिटल है, स्कूल वगैरह वगैरह जो भी काम है, प्रोजेक्ट के काम, उसके लिए बाजार से समय समय पर कर्ज उठाने का मौका मिलता है। इतना ही है कि राज्य शासन जो कर्ज मंजूर करती है उसके अंदर उसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट महाराष्ट्र शासन ने जो समय समय पर उनको दिया गया है उसके तहत बाजार से कर्ज उठाती है, और हमेशा महानगर पालिका का बाजार से कर्ज जो उठाते हैं जितना लिमिट दिया है उससे कई गुना ज़्यादा कर्ज उनको मिलता है, जो बैंक को वापस किया तात्पुर टेम्पररी रखा जाता है। तो महानगर पालिका को जब भी ये पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक से कर्ज के द्वारा मिल जाती है, तो वो कोई समस्या नहीं है बॉन्ड से, और उसमें कोई खास फर्क मुझे नज़र नहीं आता है। और खासकर जो जवाबदेही है
वैसे ही महानगर पालिका से जवाबदेही की अपेक्षा करना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि जब तक हमारी ईमानदारी के साथ हमारे शासन प्रशासन और हमारे लोक प्रतिनिधि मुंबई शहर के विकास के लिए कार्यरत नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक तो यह समस्या कायम के लिए रहने वाली है जी। अगर कार्यकुशलता से काम करना है तो हमारे पास सभी संसाधन उपलब्ध है, महानगर पालिका के पास बहुत पैसा भी है और काफ़ी पैसा फिजूल में खर्च होता है। उसके बजाय अगर महानगर पालिका का पैसा ऐसे विकास कार्य में लगाया जाए बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिली, शायद इस वजह से ये मामला अटका हुआ था। लेकिन जैसे खैरनार साहब अभी कह रहे थे कि बहुत पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद करना महानगर पालिकाओं से शायद थोड़ा मुश्किल होगा, अभी तक 15 म्यूनिसिपैलिटीज में, जिसमें तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में, बहुत सारी जगह पर ये प्रयोग हुआ है, ये प्रयोग कितना कामयाब रहा है? ये पूरे पूरा कामयाब रहा है। किसी भी नगर पालिका ने लोगों के पैसे डुबाए नहीं है, बकायदा वक्त पे पैसे दिए गए हैं। ये म्यूनिसिपल बॉन्ड जब रेस किए जाते हैं उससे पहले क्रेडिट रेटिंग ली जाती है और क्रेडिट रेटिंग पे ही लोग इसमें निवेश करेंगे। और क्रेडिट रेटिंग का एक फायदा ये होता है कि जब बॉन्ड शुरू रहता है यानी उसकी कार्यावधि चालू रहती है, उस समय दरमियान हर साल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उस नगर पालिका की क्रेडिट रेटिंग फिर से मुआयना करती है और उसको प्रसिद्ध करती है। ये एक बात बताती है कि उनका जो आर्थिक प्रबंधन है वो ठीक चल रहा है। और अभी तक एक भी भारत ऐसा देश है, चाहे कम हुए हो, जैसे आपने बताया कि एक 30 कुल मिला के 30 शहरों ने एक 20 बॉन्ड उभे किए हैं और जो जैसे पहले बताया गया उतने पैसे खड़े किए, लेकिन किसी में भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है कहीं पे भी। अच्छा, बात रही पारदर्शिता की, हम दो अलग इश्यू है। एक बॉन्ड ये अच्छा जरिया है पैसे खड़े करने का, अब पैसे का जो यूज करना है, उसका इस्तेमाल करना है, वो कैसे किया जाता है वो इसमें नहीं आएगा, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी वो नहीं देखती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये देखेगी कि आपका आर्थिक प्रबंधन ठीक है, क्या आप निवेशकों के पैसे वापस दे पाओगे। लेकिन जब बात आती है कि जैसे हमने 1000 करोड़ या 2000 करोड़ हमने बाजार से उठाए म्यूनिसिपल बॉन्ड से, अगर उसका गलत विनियोग होता है, उस दिशा में पारदर्शिता नहीं है, तो वो प्रश्न है और उसके बारे में अलग से सोचना चाहिए कि वो महानगर। लेकिन अभी तक तो ये रहा है कि जितने महानगर पालिकाओं ने बॉन्ड से पैसे बाजार से लिए हैं, उन्होंने उस पैसे का विनियोग कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए किया और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है जी। खैरनार साहब, एक बयान है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, देवेंद्र फडणवीस का, उन्होंने कहा है कि आउटलेस तो बहुत होते हैं लेकिन आउटकम्स कम होते हैं, यानी पैसे की कमी नहीं रहती, योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं लेकिन उसके नतीजे कम निकलते हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को लें, जैसा कि आप जारी होंगे ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या उस स्थिति में आप कुछ बदलाव आता देखते हैं, या फिर काम करने की जो मंशा है, काम करने की जो नियत है बीएमसी की, इसके कर्मचारियों की, इसकी स्टाफ में, उसमें बदलाव की पहले जरूरत है? नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि बाकी महानगर पालिका को या काउंसिल को कर्जा उठाने में दिक्कत होती होगी, लेकिन महानगर पालिका को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा, राज्य शासन जितनी इजाज़त कर्ज उठाने की लिए देती है उतना कर्ज से कई गुना ज़्यादा कर्ज बैंक ऑफर करती है महानगर पालिका को, तो वो पैसे की कोई समस्या नहीं है। साथ साथ अभी केंद्र शासन भी ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो उसके लिए केंद्र शासन मदद कर रही है, तो ये कि ये बॉन्ड के कारण महानगर पालिका की जो सुस्तावस्था है वो बदल जाएगी और लोग काम करने लगेंगे, बिल्कुल सही नहीं है। जो ब्याज बॉन्ड का ब्याज भरो या कर्ज का ब्याज भरो, ये समाज से पैसा आता है, म्यूनिसिपालिटी के अधिकारी को उसका कोई पैसे का हिसाब देना नहीं पड़ता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि महानगर पालिका की जवाबदेही बॉन्ड लेने से बढ़ जाएगी। शायद उनका दूसरा कॉरपोरेशन का अनुभव अलग होगा, महानगर पालिका के लिए बॉन्ड या कर्ज उसमें कोई फर्क नहीं है और इसमें जल्दी या काम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये है कि महानगर पालिका में हमारी सिटी में समस्याएं ज़्यादा है और जो भी प्रोजेक्ट लेना है उसके इतने कॉम्प्लिकेशन, इतनी समस्या है कि उसके लिए टाइम लगता है। साथ साथ हमारे अधिकारी कर्मचारी ने जितनी स्पीड से व्यक्तिगत खुद का समझकर काम करना चाहिए
उतनी वो अलर्टनेस उसमें नहीं होती है, जिसके कारण डिले और भी ज्यादा हो जाता है। जी, आप वाजिब बात कर रहे हैं कि जो काम करने की जो रफ्तार है वो धीमी है, उसके चलते भी यहाँ पर ढिलाई देखने को मिलती है। लेकिन क्या एक थोड़ा दबाव नहीं रहेगा खैरनार साहब, जब आप मार्केट से इस तरह से लोन उठाते हैं, निवेशक इस तरह पैसा लगाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो क्या कहीं ना कहीं बीएमसी पर दबाव नहीं होगा कि वो समय में एक टाइम फ्रेम में अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें? दबाव का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि आज भी मार्केट से जो कर्ज मिलता है उसके लिए ब्याज भरना पड़ता है, फिर भी हमारे प्रोजेक्ट 3 साल के बजाय 5-5, 10-10 साल लंबित हो जाते हैं, और महानगर पालिकाओं को उसके लिए कोई जनता पूछने नहीं आती है। वैसे कर्ज जो हम बाजार से उठाते हैं उसके बजाय बॉन्ड इशू करेंगे, ये बॉन्ड इशू करने में मनमाफिक जितना चाहिए उतना बॉन्ड हम नहीं इशू कर पाएंगे। राज्य शासन जो लिमिट अब महानगर पालिका के लिए रखेगी, उसी लिमिट के तहत जो हम बाजार से कर्ज उठाते उसके बजाय बॉन्ड देकर कर्ज उठाएंगे, इतना ही फर्क है। जी ठीक है, रविकांत जी मेरे पास समय कम है, यहाँ पर क्या किसी तरह की निगरानी भी होती है इस तरह के म्युनिसिपल बॉन्ड्स की, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया गया है वो उसी में इस्तेमाल हो, एक टाइम फ्रेम में उसे पूरा किया जाए, क्या किसी तरह का दबाव रहता है? खैरनार साहब तो कह रहे हैं तो उनके मुताबिक शायद ऐसा नहीं होगा कि कोई दबाव होगा। नहीं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। जवाबदेही काम ठीक करने की ये अलग बात है, बॉन्ड के कारण जो जवाबदेही पहले आती है वो आर्थिक प्रबंधन अच्छा करने की, ये लोगों के पैसे लौटाने की। बैंक और हड़को या अभी तक के दूसरे संसाधन है जहां से लोन मिलती थी, सरकारी लोन है, उसमें ये जवाबदारी नहीं रहती थी। अब जबकि बॉन्ड में डायरेक्टली ये नहीं होता है कि वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ कि नहीं और इसका, लेकिन इतना है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जब दूसरे साल उसका सर्वेलेंस करती है उसमें इस फैक्टर्स को लिया जाता है, और सपोज ऐसा दिखाई देता है, मॉनिटरिंग तो ऑडिट एजेंसीज जो है वो देखेगी, खुद महानगर पालिका की ऑडिट एजेंसी है, सरकार की है, एजी है, वो तो देखते ही रहते, लेकिन मार्केट ये जरूर देखता है कि एक आप अपना आर्थिक प्रबंधन साला पूरा साल जो हुआ उसका आर्थिक प्रबंधन ठीक किया कि नहीं, आपका सरप्लस ठीक है कि नहीं, आपकी आर्थिक परिस्थिति बिगड़ी है या सुधरी है। इसके कारण अगर एक पहले बॉन्ड में आप अच्छा क्रेडिट रेटिंग लेके अच्छा पैसा खड़ा करते लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो दूसरी बार आप नहीं जा पाओगे। यानी जवाबदेही आर्थिक प्रबंधन के बारे में बढ़ती है, और उसमें इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से वो पैसों का विनियोग उसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए हो, वक्त पे हो और उसके आउटकम मिले, तभी दूसरे बॉन्ड के लिए, यानी एक ये शाख बनती है, यहां क्रेडिबिलिटी की बात होती है। हड़को है, कमर्शियल बैंक्स है या गवर्नमेंट लोन्स है या दूसरे महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका ऐसी है कि उसको पैसे देने वालों की कम नहीं होगी, लेकिन वहां पर क्रेडिट रेटिंग नहीं होता है, इंडिपेंडेंट क्रेडिट असेसमेंट नहीं होता है, और उससे वो दबाव नहीं होता है। मैं ये बात मानता हूं कि डायरेक्ट दबाव नहीं आने वाला है, लेकिन एक अप्रत्यक्ष रूप से डिसिप्लिन बनती है, और इसीलिए म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट डिसिप्लिन लाता है, ऐसा उसके साहित्य में भी कहा जाता है, उसके थियोरी में कहा जाता है, और ये अनुभव आता है उसके प्रत्यक्ष में। आप देखिए अहमदाबाद ने 5 बार म्युनिसिपल बॉन्ड खड़े किए, अगर वो पहली बार ठीक तरह से काम नहीं करते तो दूसरी बार उनको मिलता नहीं, तीसरी बार वो नहीं मिलता, कुल 5 बार यशस्वी तरीके से उन्होंने 1997 से लेके 2006 तक के कालावधि में 5 बार बॉन्ड यशस्वी तरह से विनियोग किए थे, रेस किए थे। बाद में लुधियाना में, नासिक में, बैंगलोर में, बहुत सारे शहरों में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में इसका सफल प्रयोग हुआ है, और इसी के साथ आप दोनों का हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए, खैरनार साहब आपका, रविकांत जोशी जी आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर म्युनिसिपल बॉन्ड्स बीएमसी के लिए एक आकर्षक जरिया हो सकते हैं बड़ी परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाने के लिए, लेकिन यहाँ बीएमसी और अन्य म्युनिसिपैलिटीज को ज़्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध होने की ज़रूरत है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप बने रहिए प्रॉपर्टी इंडिया पर, क्योंकि आगे हैं आपके भेजे सवालों के जवाब, हमारे साथ होंगी वैशाली।